रूप सभी महात्मा सभी सज्जन महापुरुषों को मेरा कोटान कोट संकवार नई साल के अवसर पर आप सबको बार बार नमन और आशीर्वाद स्वीकार हो। आपको परमात्मा अचल सुख शांति दे और आध्यात्मिक विषय में आगे बढ़ावे और अपने वर्ण कर्म में लगावे। सभी लोगों को कर्म कर ले वर्ण का, तुझे सदगुरु मिल जाएगा। आज्ञा मानो सदगुरु की, तू भव से तर जाएगा। तो हम आप सभी भव से तरे तराए हैं, मरवे से बच गए, अब तर गए, क्योंकि आप मार जी अपने महाराज सदगुरु भगवान के ज्ञान में आप आ गए हो। अपने निज स्वरूप में आपने जान लिया, जिसको जिसने नहीं जान पाया वो आगे सत्संग के माध्यम से जान जाएगा। तो ऐसा आपका मैंने प्रेम भाव देखा कि धन्य इसियानंद जी, राधा जी और हमारे वकील साहब सभी महान पुरुष जे छत्तीसगढ़ से आए हैं, बाबूलाल जी, डॉक्टर साहब, हमारी मैडम जी, वो अपने ये सबको नई साल की शुभकामनाएं सबको देते हुए ऐसा प्रेम बना रहे। और अभी जो बताया कि ओमकारेश्वर पर 2 दिन का सत्संग और हो जाएगा, 2-3 का हो जाए, आप लोगों ने जितना समय हो उतना दे सकते हो। तो वहाँ जा कर के और रहने खाने की सब व्यवस्थाएं रहेंगी। किसी को न कुछ कपड़े लत्ते ले जाना है, न कुछ खाने पीने का आइटम ले जाना है, सिर्फ अपना समय लेके जाना है। और 2 दिन का अपन समझो अपना वहाँ सत्संग और कुंभ मन रहा है अपने नर्मदा जी के किनारे पे। बहुत बढ़िया आश्रम है जी, बड़ा सुहाना है ये, बड़ा दिल दीवाना है। इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहीं रुक जाऊं यहाँ पे, वहाँ घर पे जल समाधि लगाना पड़ती है टैंकर में, यहाँ तो जल में ही बैठे हैं, चाय जब लगा दो। तो ये रेवा मैया प्रकृति माँ का, यहाँ पर यदि आप हो सको तो 9 देवियों में नर्मदा लहरी, नर्मदा ये माँ अपने सबके अंदर है विराजमान, जो रमी है, जो बह रही है, वो पानी बह रहा है अपने अंदर, आत्मा तत्व बह रहा है, सब में बैठा है। इसके इसका ज्ञान होना ही, उद्धार होना है भवसागर से, चाहे सर्वांग योग के द्वारा या वैसे ही अपने मन बुद्धि के द्वारा जानो। तो मन बुद्धि से मनन करके अपने कर्तव्य कर्म करो, आश्रितों की सेवा करो, प्रेम से रहो, किसी पार्टी के चक्कर में मत पड़ो, किसी पंथबाजी के चक्कर में मत पड़ो, किसी धर्मबाजी के चक्कर में मत पड़ो। ये ही सनातन धर्म है, ये सदा रहने वाला आत्मा ज्ञान, इसी के सेवा करना ही सेवा है। ईमानदारी से अपने और आनंद लो। अब आपको सब कुछ बता दिया तो थोड़े से में ही समझो, थोड़े ही थोड़े चलने की अभ्यास करो कि घर में काय कलेश बंद करो, सबसे बड़ा ज्ञान है ये। मैं तू तू में घर में लगे हुए हो कलेश करने, वो खत्म करो। घर में ही एकता होगी तो संसार में होगा, एकता दिखेगी सब धर्मों में। घर में एकता ऐसे ही फिर बाहर भी एकता। तो आजकल का समय क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, कहाँ है वकील साहब, सुनी भैया, क्या दिख रहा है कि खुद सुधरो,
तो विश्व सुधरेगा, और विश्व को सुधारो तो खुद बिगड़ेगा। तो जहाँ से अब जी समय आ गया है, किसी का कुछ मत कहो, कौन खराब है कौन अच्छा है, कि जब सब ठीक है, सब परमात्मा की लीला है, सब परमात्मा की लीला है, ऐसे जानते हुए घर पे अच्छा खाओ, अच्छा बनाओ, अच्छे रहो, अच्छे विचार रखो। हाँ, ये आत्मा ज्ञान सब में देखो, रिश्तेदार में, दुनियादारी में, सब में आत्मा तत्व ही है। ये ही मालिक है सबका विश्व। ये पानी बरसा रहा है, सर्दी कर रहा है, गर्मी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपको सब तरह से समझा दिया है। और ऐसे सत्संग लेते रहो और मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखो, मैं आपके लिए 24 घंटा तैयार हूँ। जो काम ये बताया, सभी मास्टरों को शिक्षा देना, उसके लिए आप लोगों से मुझे एनर्जी चाहिए। ये कह रहे महाराज के इनको एनर्जी मिलती है मेरे से, और मैं कह रहा हूँ आप लोगों की एनर्जी ताकत चाहिए, एकता का जरूरत पड़ेगी तो हम झंडा और डंडा उठा करके भी बात कर सकते हैं इस कार्य के लिए, जगत के लिए, विश्व हित के लिए। लेकिन डंडा झंडा उठाना नहीं है कि तो मैं कह रहा हूँ वैसे, लेकिन माने अपन संकल्प कर चुके हैं कि काम करना है, होगा। और मोदी जी से सबसे बात चल रही है, ये परमात्मा कराता है नहीं, हम क्या करेंगे, वो अपन को सोने भी नहीं देता, बात कराना है वो करा लेता है। तो आप लोग ऐसे प्रेम बरसाते रहो, देते रहो, और आने वाली वर्ष में सभी शुभ कार्य में और सत्संग में, अपना प्रचार में थोड़ा थोड़ा समय देते रहो, तो सब काम होते रहेंगे। सब काम को छोड़ के सत्संग नहीं करना है, सब काम करते हुए सत्संग करना है, ये अकल की बात है। तो सब काम चलता है, वो हमेशा चलता रहेगा। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय, बोलो माता पिता की जय।